व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देहरादून से। सो जस्ट अभी हम जस्ट सो के उठे हैं सब लोग, और हम लोग आज बना रहे हैं आलू टोस्ट। तो उसकी सब्जी बन रही है यहाँ पे, और मामी की हेल्प कर रही है अपने साथ, और मामा की हेल्प नहीं करती, मामी की हेल्प जरूर करती है। ओहो, तो हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी, फिर हम बनाएंगे आलू टोस्ट अपने। ठीक है, तो बस एंजॉय कीजिए आप हमारे साथ। पहले इसको हम अच्छे से भून लेंगे बढ़िया तरीके से। हम इसको करेंगे ब्राउन, ठीक है, गोल्डन ब्राउन करेंगे जब तक इसको भून लेंगे। तो वैसे देखिए हमारी क्या कहते हैं प्याज अभी और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन करके, और फिर इस पर हम डाल देंगे अपने टमाटोज। टमाटोज यहाँ मैंने एक लिए थे, फिर क्योंकि कह रहे एक किलो लेके आए थे, थोड़े सा और टमाटर डाल ले। यहाँ पे सारे मसाले निकाल के रख दिए, बट फटाफट मसाले डाल देंगे हम। क्या कह रही है? ये हल्दी है, हाँ ये हल्दी है, हाँ ये लाल मिर्च है, हाँ और ये नमक है, और ये धनिया है, ये धनिया है, और ये आमचूर। आमचूर सही है, बहुत बढ़िया। कपड़ी गाड़ी दिख रही है यहाँ पे भी, इंजॉय कर रहा है क्योंकि मजे। और देखिए गाइस हम इसमें डाल रहे हैं टमाटोज। टमाटोज हमारे अच्छे से जब थोड़े से गल जाएंगे इसमें हम डाल देंगे मसाले। चल मसाले डाल दें। अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले, जिसमें हम डालने हमने लिया थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें लिए थोड़ी सी लाल मिर्च। अब हमने इसमें ली है हल्दी, बस। अब हम इसमें हमने लिया है धनिया। तो जो बेसिक मसाले वही हैं सब, ठीक है। जब ये अच्छे से कपड़ कपड़ हो रहा अच्छे से, अब इसको अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे, और उसके बाद डालेंगे इसमें आलू। तो गैस हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया, अब इसमें हम ये डाल रहे हैं आलू। ये देखिए हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए। हम इसमें हम डाल रहे हैं ये आमचूर ऊपर से, ताकि आपकी पिट्ठी और अच्छी लगेगी जब आप इसको ब्रेड में लगाएंगे, और बहुत अच्छे टोस्ट बन के आएंगे। तो जब हमारे टोस्ट बन जाएंगे तब हम आपको इसकी एक प्लेटिंग दिखा देंगे, है ना श्वेता? श्वेता कह रही हाँ, दिखाऊंगी मैं आज। यस यस श्वेता, ये गुड मॉर्निंग बोलो व्यूअर्स को। हम अभी बालकनी में, और यहाँ से मैं आपको भी बैक कैमरे से व्यू दिखाऊंगा। बहुत अच्छा व्यू आता है इनकी बालकनी से। यहाँ पे इनके धुल रहे हैं कपड़े, ये नई मशीन है इनकी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से व्यू। हाँ मैं आपको सामान खरीदने, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हमारे पराठे नहीं बना रहे, मांगो सैंडविच बना रहे, क्योंकि हमें सैंडविच है ही नहीं, क्योंकि हम कल ही आए। और अगर हम जा रहे हैं ब्रेड लेने अभी, ठीक है, बाय, मिलता हूँ अभी आपसे मैं खुलने के बाद में। इनकी बालकनी से कितना अच्छा व्यू दिखता है, देखिए पूरे पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं, आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, क्या मस्त कैप्चरिंग हो रही है आप लोगों के लिए। गाइस ये इनकी बालकनी प्यारी सी, वैसे तो हमने कल वाले ब्लॉग में देख ली होगी। सो बढ़िया सी बालकनी है, बच्चों की साइकिल रखी रहती हैं, ये कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं, और वो जीजू निकल चुके हैं सामान लाने के लिए। और ये है इसकी छोटी सी किचन प्यारी सी, जिसमें भी बहुत काम हो रहा है, वैसे थोड़ा सा फैल रहा है, जो मीटिंग के लिए रहेंगे तो बहुत अच्छी लगती है। इसकी छोटी सी किचन है, चिमनी विमनी सब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कम रहते हैं। तो आर ओ इसने भी लगवाया नहीं है, वाटर बॉटल से काम हो रहा था, क्योंकि कभी कभार ही रहने आते हैं, ठीक है। इनका बेडरूम 1 BHK फ्लैट है ये, और ये आपका बेडरूम है, ठीक है। सो यहाँ टीवी लगा हुआ है इनका, एसी की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, बिकॉज बहुत ठंडा वेदर रहता है, तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में सोसाइटी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हॉल यहाँ से एंट्रेंस होती है, और यहाँ पे ये टेबल है, और यहाँ पे सब बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इनका हॉल है, और सामने इनके बालकनी है, यहाँ पे कमरा है, और यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ पे किचन है। तो यही है इनका छोटा सा स्मॉल सा होम टूर, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इनकी जहाँ ये रहते हैं
उसी सोसाइटी में ये पार्क है, बच्चों को खेलने के लिए बनाया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा दूँगा। सो छोटा सा पार्क है बच्चों के, जैसे ये डे के स्कूल भी यहाँ पे ऐसी सोसाइटी में, जिसको ऑफिस जाते हैं वहीं छोड़ कर चले जाते हैं अपने बच्चों को डे केयर में। और ये पार्क है छोटा सा, और ये झूले हैं दो चार। ये इनकी जो बिल्डिंग है उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा पार्क है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्लैट्स हैं गाइस, देख रहे हो व्यूअर्स। ये दोनों, ये बच्चा देखिए अपने आप कितना एक्टिव हो गया है, कितना सीख रहा है, ये ऐसे उतर रहा है मज़े से। और गुनगुन को देखिए, अभी अपने आप सीढ़ियाँ भी चल लेगा, फिर दोबारा आ जाएगा। गुनगुन तू भी आ जा भैया के साथ। ये देखो कहाँ बैठी रह के, और गुगु को देखो कितनी मजे आ रहे हैं, खुद ही चल रहा है खुद ही उतर रहा है। पैर पैर सीधे करो, पैर पैर सीधे करो। देखिए व्यूअर्स, आओ आ जाओ, दोबारा चले जाओ। वाओ, अब गुगी भी जा रहा है कचरों के खिलाने में। ये देखिए गाइस, आ जा आ जा आ जाओ। वाओ, कितने मजा आ रहे हैं गुगी के तो। ए जी चल रही है, उधर रही कितनी जल्दी हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है इन दोनों बच्चों को। अब दोनों एक साथ आ जाओ। हाँ चलो यहाँ से आ जाएगा। गुगी कहाँ जा रहा है, वहाँ कीचड़ है, इधर आओ, इधर आ जाओ। हाँ अच्छा 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 बेटा आ जा। Let's go. One, two, three. खुशी बस। यहाँ देखिए हम नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में, गुगी भी नहा रहे, खुशिता भी नहा रही है, यहाँ पे ये नहा रहे हैं। स्विमिंग करके दिखाओ ब्लॉग में, ये देखिए ये नहा रहे हैं मजे से। तू कहाँ जा रहा है ना, मजे आ रहे हैं। फिर रो रहा था सो गुनगुन इसको चला रही है। अरे वैसे चला ले, वैसे चला ले, फिर रोएगा वो, बैठ जाओ। सो इसको घुमा रही है इस पर साइकिल पे। बाय गुगी, कैरब कैरब कैरब, बाय कर दो, बाय बाय, टाटा भी कर दो, टाटा। एंजॉय कर रहे हो, जाओ दीदी की, दीदी चलाएंगी, दीदी लेके जा रही है कैरब को। कहाँ तक लेके जाती है दीदी, देखता हूँ मैं। दीदी वहाँ तक लेके जाती हैं, दूर तक, दूर तक। देखो अम से आएगी, आ गए दोनों बच्चे, ऐसे घुमा रही है बहन। गुगी मुझे चली थी, ये देखो कैसे चला रही है। गाइस आज का हमारा ये लंच है, जिसमें है दाल है, ये है आलू है, यहाँ पे रोटी है, और साथ में अचार है आम का। तो मस्त कॉम्बो लगता है ये खाना लंच। ये देखिए आम का अचार रख दिया है, और मम्मी यहाँ खा रही है। कैसा लग रहा है मम्मी, तो खा के बताओ फिर, वैसे तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ सब बस मोनियरी, और यहाँ पे चल रहा है एक्शन हीरो मूवी। कैसे हैं आप लोग, तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और गुगी और मैंने पहनी है सेम टी शर्ट, ये देखिए थोड़ी बहुत मैचिंग हो रखी है हम दोनों के ऊपर से, है ना पापा के साथ मैचिंग करी आपने, है बिल्कुल मैचिंग कर रखी है भाई। ये देखिए है, ये है स्क्रू ड्राइवर, ये ना ऐसी ऐसी चीज़ दिखाते रहते हैं ब्लॉग में, है ना स्क्रू ड्राइवर दिखाने का। मम्मी यहाँ पता नहीं क्या कर रही है, मम्मी आओ भाई देख, गुगी को दिखाइए यहाँ पे मैचिंग हो रखी है पापा के साथ, क्यों नहीं। चलिए अब हम चलते हैं, क्या करना है फोन से। अच्छा इनका ना वो मटगाड़ निकल गया, तो ये पेंच कस रहे हैं उसमें, तो कह रहे जरा लाइट मार दो।
चलो ठीक है, मार देते हैं लाइट। अभी हम लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि पहाड़ियों से उतर रहे थे, फिर हमने यहाँ पे रोक लिया। यहाँ पे हम खा रहे हैं भुट्टा, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम रहा था, भुट्टा तो खाना बनता ही है। सब हम लोग जस्ट वही खा रहे थे और गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, नरीति वहाँ से निकली हुई है। देखिए ये देखिए नरीति वहाँ से गर्दन दिख रही होगी आपको, दिख रही है। सो बस तो भुट्टा खा के मौसम का हम ले रहे हैं मज़ा। बहुत रील्स बना ली हमने, बहुत मज़ा आया आज। गाइस अब लोग हम आ गए यहाँ पे मैगी पॉइंट पे मैगी खाने के लिए, है ना मम्मी? मैगी खाने आए हो आप लोग हैं? मम्मी बटर बन खाएंगी, ये भी बटर बन खाएगी, ये मैगी, ये मम्मी का खून पिएगा अपनी। ये बच्चा जो है मम्मी का खून पीने के लिए आया है, पूरे ट्रिप में मम्मा 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 कर करके इसका खून पिएगा ये, ठीक है। और मोनी पापा का खून पी रही है, गोगी मम्मी का खून पी रहा है, और गुनगुन ये मेरे पास चिपके रहती है, देख रहे हो, ये मेरा ही खून पीती है ये भी। तो सबके बट्टे हुए हैं यहाँ पे बच्चे, ये दोनों रिलैक्स रहते हैं, ये दोनों रिलैक्स रहते हैं। किस प्ले एरिया, ये देखिए कितने अच्छे सभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, गुनगुन और ये यहाँ झूल रहे हैं, ये देखिए गुनगुन और ये यहाँ झूल रहे हैं, गुगी वाओ। गाइस देखिए तीनों बच्चे हमारे कैसे बैठ गए हैं, मोनी और श्वेता यहाँ पे झुलाने का काम कर रही है पूरा अच्छी तरह से। कुकी एंजॉय कर रहा है, मम्मा झुला रही हैं। अब आज हमने सोचा कि आज हम डिनर ना करें, हम कुछ स्टार्टर्स खाएं डिनर में, क्योंकि हम तो फैन में गए थे ना, तो हम भुट्टा मैगी सब खा के आ गए थे, तो सबका पेट भर रहा था। तो हमने कहा कि अब हम खाएंगे पनीर के पकोड़े और साथ में यहाँ पे हैं प्याज के पकोड़े, है ना। हमने सोचा सब लोग ये खाएंगे, बढ़िया तेल यहाँ पर चढ़ गया है, खाएंगे गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और प्याज के पकौड़े। तभी हो रहा है मॉर्निंग और ब्लॉग हमने एंड किया, तो हमने सोचा ब्लॉग एंड कर दें, अभी हम देहरादून में ही हैं। सो गुनगुन ब्लॉग एंड कर दें, आज का ब्लॉग गुनगुन एंड करेंगे, बोल दे बाय व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।